सारे सत श्रीकाल, राम राम। हिंदी बोलना कि पंजाबी? पंजाबी चलो ठीक है, मेरे लिए भी असी काम आसान करता है। धन्यवाद। सब तो पहला मैं थानू बहुत बहुत बधाई दिना कि तुसी सब तो पहला मैं थानू सब बधाई दिना कि तुसी उन्हां रवायती पार्टियां कांग्रेस बीजेपी नूं छड के आम आदमी पार्टी की विचारधारा नाल जुड़े हो। तुहाडा सब का बहुत बहुत स्वागत करता मैं। और दूसरी बधाई एक गल मैं थानू देना चाहना कि आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल साहब और पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार हरमन सिंह जी मान साहब 18 तारीख न इतने गंगानगर जा रहे। और जिहड़ा सब तो पहला जिहड़ा मौका है वह तुहानू मिले, इस गल की मैं बधाई देना चाहता। मेरे तो पहला काफी वक्ता बोल के गए हैं, कह के गए हैं कि छोटी पार्टी। देखो मैं एक गल कहनी चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी नहीं है। जिस पार्टी के नाल हिंदुस्तान का आम आदमी जुड़िया वह कभी छोटी नहीं हो सकती। 10 सालों के विच सब तो वड्डी पार्टी बन के अज हिंदुस्तान के विच अगर कोई पार्टी उभरी है तो वह सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है जिहड़ी 10 सालों चा नाम कमाई। दिल्ली के विच 3 बार सरकार बनाई, उस सरकार धर्म जात पात के नाम से नहीं बनाई, सिर्फ कम के नाम से बनाई। मानयोग श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक गल कही इलेक्शन कि जे मैं काम किया तो मैं वोट पायो वरना ना पायो। ये अज राजस्थान के कोई कांग्रेस का लीडर या बीजेपी का लीडर यह गल कह सकता? नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने कहते काम ही नहीं किए। मैं पंजाब भी जिथे जाना एक गल जरूर कहना हूं, जो भी मैं बोलने का मौका मिलता है मैं एक गल कहना हूं कि साड़िया अज भी उही मंगा जेड़िया 75 साल पहला साडे बाप दादा इन्हां लीडरां कोलों मंगी सी। असी अज तक गलिया नालिया तो उपर ही नहीं उठे। तुहाडे राजस्थान के स्कूलों च टीचर पूरे नहीं है, वह कितों स्मार्ट स्कूल बनने, कितों चंगी साढ़े बच्चों एजुकेशन दे सकेंगे। राजस्थान के सरकारी हस्पतालों के डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, वह कितों सानू सेहत सुविधावां उपलब्ध कराएंगे? ये हुण दोबारा तुहाडी कचहरी चाहेंगे और तुहानू आके गल कहेंगे कि सानू एक मौका दे दो। वो बीजेपी वाले कहेंगे जी असी मजबूत भारत बनाना है। मजबूत भारत तां बनदा है जे साडा भारत देश का नागरिक हिंदुस्तान का नागरिक पढ़िया लिखिया ते स्वस्थ। सानू वो जिहड़े साडे फंडामेंटल राइट है, साडे मुढले मौलिक अधिकार है, सानू उन्हां तो अज तक इन्हां ने वांझे रखिया, सानू उही नहीं दे सके है। दिल्ली के विच स्कूल स्मार्ट स्कूल बनाए, एडे वधिया स्कूल बनाए है श्री अरविंद केजरीवाल साहब ने कि उत्थे एक कलैक्टर का बच्चा और एक पीएम का बच्चा इको बेंच से बैठ के पढ़ते और उन्हां स्कूलों नूं देखने वास्ते बाहरले देशों के लीडर आ रहे हैं। कदे राजस्थान के स्कूलों में गए हैं कदे तुसीं देखिया कि कोई बाहरों फॉरन तो कोई राजनेता आया होवे ते राजस्थान के स्कूलों में जाके दौरा किया होवे?
कदे नहीं जानते क्योंकि असी पढ़ाई दिती नहीं है। कदे राजस्थान के सरकारी हस्पतालों की तुसी हालत देखी है, तुसी ता सारे जनी जानो की हालात है। असी आम आदमी पार्टी जो जो इलेक्शनां दे विच इलेक्शनां तो पहला जो जो वादे करदी है वो सारे पूरे कीते, जो जो गरंटियां श्री अरविंद केजरीवाल साहब ने दित्तियां वो पूरियां कीतियां। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब ने जिहड़ियां जिहड़ियां गरंटियां पंजाब दे लोकां नूं दित्तियां वो तकरीबन असी पूरियां करतियां। एक अद्धी रह गई है वो भी असी जल्दी पूरी करांगे, पर असी कदे ये गल नहीं कही कि सानू एक मौका फिर दिओ जी असी आ साडा कम रह गया। असी हमेशा इको गल कहांगे कि जे असी कम कीता तां सानू वोट पाओ। पंजाब दे विच वी असी ये गल कही, हुण जलंधर दे विच बाय इलेक्शन सी लोक सभा का, तां मुख्यमंत्री साहब ने कहा सी कि अगले साल लोक सभा का इलेक्शन आ रहा है, 10-11 महीने का टाइम भी असं वह मंगते हैं, जे काम ना किया अगली बार वोट ना पाई। पर यह गल कहने वास्ते भी हिम्मत चाहिए है, यह हिम्मत किन्ना च है आम आदमी पार्टी के लीडर च है। लीडर भी मैं कहूंगा, सेवक कहूंगा, उन्हां च है क्योंकि वह सारे काम करते हैं। मैनू अज भी वो दिन याद है जदों केजरीवाल साहब ने पंजाब के लोगों को गरंटियां दित्तियां, तब गरंटियां देने के बाद उन्होंने एक गरंटी दित्ती सी कि मैं सारे गरंटियां पूरियां करने की भी गरंटी दिना, और अज असी पंजाब के विच पूरियां कीतियां। 600 यूनिट मुफ्त बिजली दे रहे असी पंजाब के लोगों को। अज मेरा बलूआना हल्का तुहाडे तो ज्यादा दूर नहीं है, नेड़ी है। अज मेरे हल्के दे विच 90% लोगों के जिहड़े बिजली के बिल है वो जीरो आ रहे हैं। मोहल्ला क्लीनिक की गल की, मोहल्ला क्लीनिक की गल गरंटी दी। अज मेरे हल्के 6 मोहल्ला क्लीनिक खुल गए है, जिथे 51 तरह के टेस्ट बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। नौकरियां की गल की, रोजगार की गल की, अज पूरे पंजाब के 29,000 नौकरियां पंजाब के मेरे नौजवान बेरोजगार भैन भरावां नूं मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब ने दित्तियां। वो भी मैरिट के आधार से, कुछ पाशां के आधार से नौकरियां नहीं दित्तियां, जो जो वादे किए असी पूरे किए हैं। मैं हूं थोड़े दिन पहला जयपुर जाके आया, उसे मान सरोवर दे विच भी शपथ ग्रहण समारोह सी, उसे जाके बोल के आया सी कि जेड़ा जोश मैनू पंजाब दे आम आदमी पार्टी दे वर्करां च देखने नूं मिलिया सी, वो मैं हूं राजस्थान के वर्कर के पदाधिकारियों हम तकड़े हो जो तू सारे कागज मिल गई है, समग्री मिल गई है, एक एक घर जाओ पिंड लोगों उ इनवाइट करो कि तुसी रैली दे विच आना। यह बदलाव लैके आ रहे हैं, यह बदलाव की राजनीति आपां लैके आनी है राजस्थान दे विच। मैं अगे भी कहा कि जिहड़े 75 सालों तो मंगा साडियां इन्हां ने पूरियां नहीं कीतियां, वो आम आदमी पार्टी की सरकार बनन राजस्थान दे विच असीं पहल दे आधार ते करांगे। और गंगानगर की जिहड़ी ये महारैली है, ये राजस्थान दे विच पूरी आम आदमी पार्टी की हवा तय करेगी, और ये बदलाव की जिहड़ी हनेरी है वो गंगानगर तो चलेगी पूरे राजस्थान दे विच।
मैं पहला भी राजस्थान के बहुत हल्के कम करता रहा। मैं देखता रहा कि पहला जड़िया पार्टियां वो कोई जात पात धर्म के नाम से राजनीति कर दी उन्होंने आधार से टिकट दिंदी है, पर आम आदमी पार्टी इनकलाब तो निकली हुई पार्टी है और जेड़े लोग इनकलाबी होंगे उन्हां दी कोई जात नहीं होंगी, उन्हां दा इको एक धर्म होंगे कि असी जेड़ी पुरानी व्यवस्था है पुराना सिस्टम है असी उन्हूं बदलना है। असी भी राजस्थान दे विच चाहुंदे हां कि साढ़े जेड़े गरीब बच्चे है उन्हां नूं चंगी मुफ्त पढ़ाई मिले, साढ़े बुजुर्गों नूं है जेड़ा वो चंगी सेहत सुविधावां मिले। जे असी दिल्ली दे विच दे सकते हैं पंजाब दे विच दे सकते हैं तो फिर राजस्थान दे विच ये पार्टी क्यों नहीं दे सकती? क्यों? क्योंकि इन्हां दी नीयत और नीति च बहुत फर्क है। पंजाब के सिर ते 3 लाख करोड़ का कर्जा सी जो मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने पंजाब की वार्ड बोर्ड संभाली, अज असी कर्जा भी उतार रहे हैं, नौकरियां भी दे रहे हैं, तनखावां भी दे रहे हैं, असी सब कुछ काम कर रहे जेड़े असी कहे सी। इन्हां ने हमेशा एक गल कही जिहड़ियां पहला रवायती पार्टियां सी कि साडा तां खजाना खाली है। खजाना भी कहते खाली होंगे जो असी लोग टैक्स दिंदे हां, टैक्स का पैसा सरकार कोल जांदा है ते वो टैक्स का पैसा किन्ना कोल निकल रहा है। अज जिन्ने भी भ्रिष्ट कांग्रेस के नेता उन्हां सारे ते केस दर्ज हो गया है, वो सारे जेलों च बैठे है। हजारा करोड़ रुपए के जो कबले है वो निकल के बाहर आ रहे हैं। मैं एक गल होर दसनी चाहना है कि कांग्रेस बीजेपी के जेडे आगू है वो आपके लीडर एक क्लीन चिट बड़ी देंगे, पर आम आदमी पार्टी चो क्लीन चिट है नहीं। जे कोई आम आदमी पार्टी का भी आगू करप्शन करता तो उनके भी पर्चा दर्ज होकर वह भी अंदर जाता। यह है बदलाव की राजनीति। यह नहीं है कि असी आपके वास्ते होर है तो दूजे वास्ते होर है। जो कानून सारे लोगों वास्ते वह भी आम आदमी पार्टी के लीडर वास्ते भी है। इस गल करके ही आम आदमी पार्टी को ईमानदार पार्टी कहा जाता है। मेरे तो पहला बोल के गए है जेड़ा दिल्ली दे विच पहलवानों का मुद्दा चल रहा है उत्थे धरने से बैठे है। एक पासे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिंदे और दूजे पासे इन्हां दे राज साडे देश की बेटियां जेड़े गोल्ड मैडल लेके आए उन्हां दी की दशा कर रहे हैं। ये दोहरे चरित्र वालियां पार्टियां ने। तुसी दिल्ली दे विच जेड़े अपने मंत्री है श्री मनीष सिसोदिया जी उन्होंने जेल च बंद कर रखे इन्होंने, उन्होंने की गुनाह किया कि दिल्ली के गरीब बच्चों दलित बच्चों चंगे स्कूल दिते है चंगी पढ़ाई दी है ताकि वह चंगा पढ़ लिख के चंगे समाज की सृजना कर सकन। और साडे जेड़े हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने भी अंदर किया होया, उन्होंने की किया दिल्ली के लोगों को मोहल्ला क्लीनिक दिए चंगी सेहत सुविधावां दित्तियां। एक साडा कसूर है क्योंकि असी आम लोगों और गरीब लोगों की सेवा करते हैं तो अज साडे दोनों मंत्री साहबान जेलों च बैठे है। ये इन्हां दे दोहरे चरित्र है। और मैं तुहानूं फिर बेनती करदा कि 18 तरीक की रैली राजस्थान की दिशा और दशा तय करेगी कि आम आदमी पार्टी की राजनीति की है। और मैं तुहानू सारे नूं बेनती करदा घर घर जाके पिंड पिंड जाके वार्ड वार्ड च जाके इको गल कहनी है कि तुसी 75 साल कांग्रेस नूं मौका दित्ता
बीजेपी नूं मौका दिता एक बार एक मौका केजरीवाल जी नूं भी देके दे, एक बार एक मौका साडे छोटे बच्चियां दी पढ़ाई वास्ते श्री अरविंद केजरीवाल जी नूं दिओ, एक बार एक मौका साडे बुजुर्गां दी सेहत सुविधावां वास्ते श्री अरविंद केजरीवाल जी नूं दिओ। अज दी इह मीटिंग आपां 18 तरीक दी रैली वास्ते रखी गई है, इह ना सोचना कि पूरे राजस्थान चो बंदे आणगे, पर तुसी आपदे हलके आपदी गली आपदा वार्ड नहीं छड़ना, पूरा उत्थे इकट्ठ करना, पूरे लोग लैके आने हैं। इको गल कहनी है कि असी बदलाव चाहने हैं, बदलाव लैके आना जिहड़ा असी दिल्ली और पंजाब दे विच लैके आए, और इस रैली नूं आपां कामयाब करना है। सो पूरी तनदेही नाल मेहनत नाल जुट जो, क्योंकि हुण सारा काम कार तुहाडे सिर ते है, तुसी सारे नाल हो। फिर मैं एक नारा लगाऊंगा, दोनों हथ खड़े करके मेरा साथ देना, आम आदमी पार्टी।